सरकार बनने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी पूरी प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं। मैं केजरीवाल साहब तो आम आदमी पार्टी ने पूछना चाहना है कि गारंटी जड़ी कही है तुसी, उदी की गारंटी है कि तुसी जे मुकर गए तो उदी गारंटी की है कि तुसी जे मुकरे ते गारंटी दिन्ने हो कि दिल्ली दी सियासत छड़ दोगे। पंजाब के हर बंदे को मुफ्त और अच्छा इलाज मुहैया कराया जाएगा। हम ये महसूस करते हैं कि वो फ्रॉड आदमी फ्रॉड बातें करने यहाँ आया और लोग उनकी फ्रॉड बातें यहाँ नहीं सुनेंगे। अरविंद केजरीवाल ने 6 गारंटियां दीतियां ते उस तो दुगने सवालां दी वाछड़ विरोधियों ने की। लुधियाना च आगामी विधानसभा चोणां दे बाबत अरविंद केजरीवाल ने पंजाब दे लोकां नूं वधिया सेहत सहूलतां देण दे लई 6 चोण गारंटियां दित्तियां ने, जिन्हां दे विच पहली ए कि पंजाब च हर किसे नूं मुफ्त इलाज मिलेगा। पहली गारंटी, पंजाब के हर बंदे को मुफ्त और अच्छा इलाज मुहैया कराया जाएगा। दूजा है कि दवाइयां, टेस्ट, इलाज सब कुछ मुफ्त होवेगा। दूसरी गारंटी, सारी दवाइयां, सारे टेस्ट, सारा इलाज, सारा ऑपरेशन सब कुछ मुफ्त होगा। हर किसी नूं हेल्थ कार्ड जारी किया जाएगा। तीसरी गारंटी, हर पंजाब के व्यक्ति को एक हेल्थ कार्ड जारी किया जाएगा। उस हेल्थ कार्ड के अंदर उसकी सारी जानकारी होगी, उसका एक्सरे, उसकी एमआरआई रिपोर्ट, उसको इतनी सारी रिपोर्ट लेके घूमने की जरूरत नहीं है, सारी कंप्यूटर पे होगी। वो बस अपना एक हेल्थ कार्ड लेके, हर आदमी, आपके परिवार में एक बच्चा है उसका अलग हेल्थ कार्ड होगा, आपका माँ है उसका अलग हेल्थ कार्ड होगा, पिताजी का अलग हेल्थ, हर एक बंदे को एक हेल्थ कार्ड जारी किया जाएगा। चौथा है कि 16,000 पिंड क्लिनिक खोले जाएंगे। चौथी चीज, दिल्ली में हमने मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं। मोहल्ला क्लिनिक की चर्चा पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। स्वीडन के मुख्यमंत्री हमारा मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए आए, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हमारा मोहल्ला क्लिनिक देखने आए। उस किस्म का मोहल्ला क्लिनिक अब पंजाब के हर पिंड में खोला जाएगा, पिंड क्लिनिक बनाया जाएगा। शहरों में हर वार्ड के अंदर एक अलग क्लिनिक बनाया जाएगा। 16,000 मोहल्ला क्लिनिक, पिंड क्लिनिक और वार्ड क्लिनिक, 16,000 क्लिनिक खोले जाएंगे पंजाब के अंदर। पंजवाए के सरकारी अस्पतालों की सेहत को ठीक किया जाएगा। पांचवी गारंटी, जितने सरकारी अस्पताल हैं बड़े बड़े पंजाब के अंदर, उन सारे अस्पतालों को ठीक किया जाएगा। दिल्ली में भी अस्पतालों की बुरी हालत थी, सारे अस्पताल हमने एयर कंडीशन कर दिया। आप जाके देखो, अब दिल्ली सरकार के अस्पताल सेंट्रली एयर कंडीशन है, प्राइवेट अस्पतालों की तरह है, शानदार। छठा है कि जो हादसा पीड़ित ने उन्हें इलाज सरकार करवाएगी। और छठी और आखिरी गारंटी, दिल्ली में हमने योजना चालू की है, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, हमने ऐलान किया है कि अगर किसी का रोड पे एक्सीडेंट हो जाए, जो उसको देखे उसको अस्पताल में एडमिट करा दो, चाहे बगल में जितना भी बड़े से बड़ा अस्पताल है, महंगे से महंगा अस्पताल है, आदमी की जान बचाना जरूरी है, उसमें जाके उसको एडमिट करा दो, उसका सारा खर्चा दिल्ली सरकार देती है। पंजाब के अंदर भी किसी का भी एक्सीडेंट होगा, रोड एक्सीडेंट किसी का भी होगा, उस रोड एक्सीडेंट के विक्टिम को उसका पूरा का पूरा इलाज पंजाब सरकार कराएगी, उसको अपनी जेब से एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। हुण केजरीवाल गारंटी दे रहे ने, पर श्रोमणी अकाली दल ने पूछा है कि गारंटी पूरी होएगी, इसकी की गारंटी है? मैं केजरीवाल साहब तो आम आदमी पार्टी ने पूछना चाहना है कि गारंटी जड़ी कही है तुसी, उदी की गारंटी है कि तुसी जे मुकर गए तो उदी गारंटी की है कि तुसी जे मुकरे ते गारंटी दिन्ने हो कि दिल्ली दी सियासत छड़ दोगे, कि तुसी मुख्यमंत्री पद तो इस्तीफा दोगे। कल्ले इत्थे आके झूठ बोलना ते ड्रामे करना पंजाब दी जनता जानती है।
कांग्रेस वालों भी केजरीवाल के चुनाव वादियां ते कुछ इस तरीके दे नाल तंज कसया गया। यार फ्रॉड आदमी है, आज तक उसने किया है कुछ? मैं कितनी बार कहा है कि उससे दो लाइनें पूछ के देख लो कि भैया आपने कितने नए हॉस्पिटल जब से आपकी सरकार आई है दिल्ली के अंदर बनाए, कितने कॉलेज बनाए वो बता दे, कितने स्कूल बनाए वो बता दें, और कितने लोगों को नौकरियां दी वो कोई एजेंडा तो लेकर आए ना, बता दे कितने कच्चे मुलाजमों को पक्का किए, लाकर यहां दिखाए तो सही कुछ। और एक एक चीज का हमारे पास उसका हिसाब है। हम ये महसूस करते हैं कि वो फ्रॉड आदमी फ्रॉड बातें करने यहाँ आया और लोग उनकी फ्रॉड बातें यहाँ नहीं सुनेंगे। पंजाब कांग्रेस तो बाद हुन सवाल मुख्यमंत्री चेहरे वाला आम आदमी पार्टी सामने भी वड्डी चुनौती है। 2017 दी चोणां च आम आदमी पार्टी नूं इसे दा खामियाजा भी भुगतना पिया सी, पर अजे भी मुख्यमंत्री चेहरा आम आदमी पार्टी वल्लों कौन होएगा इस ते सस्पेंस है। पर भगवंत मान दी तारीफां दे पुल लुधियाणा च अरविंद केजरीवाल ने जरूर बन्ने। भगवंत मेरा छोटा भाई है, एक टाइम ऐसा था जब ये लाखों रुपए कमाता था अपना एंटरटेनमेंट शो वगैरह करके, उसने सब कुछ छोड़ दिया पंजाब के लिए। तब तो आम आदमी पार्टी में नहीं आए थे, कोई कैरियर बनेगा कुछ होगा ऐसा कुछ नहीं था, पंजाब के लिए त्याग किया उसने। हमारी पार्टी में कोई भी व्यक्ति, मैंने कई बार बोला है, कोई पद और उसके लिए नहीं आया। मैंने बार बार बोला है आपको अच्छा सीएम देंगे, अच्छा फेस देंगे, कोई भी हो सकता है वो, अभी हम इसके बारे में सोच नहीं रहे हैं। आगामी चुनाव च वोटरां दा की रुख रहेगा इस नूं पांपण च इस वार सियासी धिरां दा काफी जोर लग रहा है, क्योंकि किसानी अंदोलन, बेरोजगारी ते महंगाई वर्गे मसलियां ते जनता सियासी धिरां नाल खासी नाराज़ है। इस लई हुण जदों चुनाव दी रुत है, इस लई वोटरां दी नबज़ टोण दे लई सरकारी धिरां पब्बां पार ने। बिजली, नौकरियां, सेहत सहूलतां वाले तमाम वादियां तों लै के जाति समीकरण फिट करन दी कोशिश हो रही है।